देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन। आप चेक करोगे बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लिखा होता है, कहीं पर नरेशन लिखा होता है, कहीं पर ये रिपोर्टेड स्पीच करके लिखा होता है। अब ये होता क्या है, कैसे देखते हैं और एग्ज़ाम कितने टाइप से आता है, इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे, जहां सेड कॉमा, यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, आई एम गोइंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखें, जब भी कोई भी सेंटेंस आपको मिले और उसमें एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा हो, एक सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हो, तो इस तरह से जो बात लिखी होती है वो आपका कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और इसी की जगह अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि राम सैड That, है ना, फिर I की जगह he हो जाएगा, he was going। अभी कैसे बना, कैसे बनेंगे सारे रूल्स अब अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दूँ, सेंटेंस को चेंज कर दूँ, तो ये मेरा डायरेक्ट है और ये मेरा इनडायरेक्ट हो गया है। अब डायरेक्ट में क्या क्या याद रखना है कि सेट और सेट टू जो भी आपका वर्ड है उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा। इन्वर्टेड कॉमा याद रखना ऐसे बनता है 66 से, और उसके बाद फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा है, सॉरी क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब अंदर आते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है, यानी कि ये बाद में बंद होगा, पहले ही सारे निशान आएंगे जो भी आपको लगाने हैं, क्लियर। तो ये देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले पार्ट को बोलते हैं, जो पहला हिस्सा है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या इसका दूसरा नाम होता है इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। दो नाम याद कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलेंगे या फिर इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। फिर ये अपना यहाँ पर कहलाएगा कॉमा, क्या कहलाएगा कॉमा, ये कहलाएगा और ये कहलाएगा अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, क्योंकि दो लगे हुए ना। फिर उसके बाद ये अंदर जो लिखा हुआ है आई एम गोइंग, केवल इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हम लोग इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाले को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये टेक्निकल वर्ड थोड़े याद कर ली ताकि मैं जब बोलूँगा आपको बताऊँगा समझाऊँगा तो आपको मेरी बातें क्लियर होंगी। ये फुल स्टॉप है, ये इन्वर्टेड कॉमा का बंद वाला है, तो ये सारे इसके पार्ट रहे। तो इसको अगर ट्रांसलेट करना है, सॉरी इसको अगर कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था राम का राम रहेगा, सैड का सैड हो जाएगा, कॉमेट कॉमा की जगह दैट आता है, एफ आता है, वैद आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ही वॉज गोइंग, तो ये रहा हमारा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं इसके आगे कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो होते हैं उनमें अलग अलग वैरायटी है। देखिए, एक तो हम लोग सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस, फिर असर्टिव के अंदर हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सीखेंगे, फिर इसके बाद इंटरगेटिव सिंगल वाला जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, फिर एक सीखेंगे हम लोग इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आगे आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, ये सब आगे आते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी देखेंगे। तो पहले रूल देखते हैं हम लोग यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस के रूल। तो देखिए, इसमें रूल क्या है, जब भी हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा तो उसको हटाएंगे, मतलब इस सेंटेंस में हम लोग इन दोनों को हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे और इसकी जगह कंजंक्शन लगाएंगे दैट। कैसे करेंगे अभी बताएंगे, मतलब इसको आपको इस शब्द को, सॉरी इस निशान को और इस निशान को हटाना है, यहाँ पर लगाना है आपको दैट, ठीक है। से या सेट को इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे राम का तो राम जो भी नाम लिखा वो वैसे छोड़ देंगे, यहाँ पे सैड अगर है केवल सैड तो सैड का सैड रहेगा, और अगर यहाँ पर आपको सैड टू लिखा मिल जाए, सैड टू कैसे, अगर यहाँ पे लिखा होता राम सैड टू मी, अगर ऐसे लिखा होता तो सैड टू जो है वो चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में, और टोल्ड के साथ में टू नहीं आता है। और इसी जगह आपको सेज लिखा, से लिखा मिले तो आपको क्या क्या करना है, टेल में चेंज करना है। अब मैं आपको रूल बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपको से लिखा मिले तो से कर देना, अगर आपको से टू लिखा मिले तो टेल कर देना, अगर आपको सेज लिखा मिले तो सेज का रहेगा सेज, अगर आपको सैड लिखा मिले तो चेंज कर देना सैड में, सैड का सैड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और सैड टू लिखा मिले तो चेंज कर देंगे टोल्ड में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोगों को विल से मिले, विल से, तो चेंज कर देना विल से में, चेंज क्या करना, वो चेंज होगा ही नहीं, सेम टू सेम रहेगा। और अगर आपको विल से टू लिखा मिले तो चेंज कर देना विल टेल में,
और अगर आपको सेंटेंस में कहीं हैज़ या हैव लिखा मिल जाए और उसके साथ में आपको लिखा मिले सैड, तो हैज़ या हैव का तो हैज़ और हैव ही रहेगा, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ इस जगह की, देखिए यहाँ पर इस जगह पर, और सैड का रहेगा सैड। तो ओवरऑल मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ कि पूरे डैट डैट में दो तीन चीज़ें हमेशा चेंज होती हैं। पहला प्रोनाउन, अगर आई है तो आई का क्या होगा, वो चेंज होगा ही होगा। दूसरा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये हटेंगे कुछ भी हो जाए, इसकी जगह दैट, इफ़, वेदर, जो भी कुछ लिखते हैं उसे आएगा हमारा। और तीसरा होता है एडवर्ब, एडवर्ब चेंज होते हैं। एडवर्ब क्या होता है भाई, हेयर का देयर होता है, एगो का बिफोर होता है, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो तीन चीज़ें कुछ भी हो जाए चेंज होंगी ही होंगी डैट डैट स्पीच में। और चौथी जो वो ऑप्शनल है जिसका नाम है टेंस। अब ये कब चेंज होते हैं, देखो ये तीन चीज़ें तो चेंज होंगी ही होंगी, ये आप नोट करते जाइए मेरी बातों को। और टेंस कब चेंज होगा वो देखिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में केवल सैड और सैड टू मिले, याद रखना मेरी बात को, किसी भी सेंटेंस में आपको केवल सैड और सैड टू लिखे मिलें तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस चेंज होगा। अगर आपको सेस यानी जो भी कुछ मिलते हैं इनके अलावा, जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ अगर ये मिलते हैं तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज का मतलब क्या होता है, अगर मेरे सेंटेंस में अंदर एजेमआर लिखा हुआ है तो, और बाहर आपका सैड या सैड टू लिखा हुआ, तो अंदर वाले सेंटेंस में फिर आपका वॉज या वट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ही आएगा। अगर बाहर ये दो शब्द नहीं, इनमें से कुछ भी दिया है, तो अंदर वाले सेंटेंस जब चेंज होगा तो उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर से एजेमआर की जगह एजेमआर ही कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, मैंने ये सारी बात नोट कर ली होंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं जब असर्टिव सेंटेंस अपना हो, असर्टिव मतलब होता है अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस अगर अपने पास है अंदर लिखा हुआ, जैसे आई एम अफर्मेटिव हो गया, आई एम नॉट का तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस अगर है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जगह पर दैट आएगा, ये बात और नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेंटेंसेस को, जैसे कि ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अभी देखिए यू की जगह क्या आएगा ये अभी हम लोग आगे प्रोनाउन में सीखेंगे, फिलहाल हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर ही का ही रहेगा, हमने सीखा था सेज टू का हो जाता है टेल्स, क्या होता है टेल्स, याद रखना जिस जिसमें टू है बस उसी में चेंजिंग होगी, जिसके साथ में टू नहीं वो चेंज नहीं होगा। फिर मी का हो जाएगा मी, कॉमेट कॉमा जगह पर क्या आएगा दैट, फिर यू को चेंज करेंगे मी से तो आ जाएगा आई, या आगे अभी बताएंगे कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमारे किस में, प्रेजेंट में, क्योंकि सेज है ना, मैंने कहा था सैड और सैड टू मिले तो ही चेंज होगा, तो यहाँ पर फिर आई के साथ में ही वर्क ही आता है और हार्ड का हार्ड रहेगा। और देखिए यहाँ पर चीज़ों को कि टेल हो या टोल्ड हो तो उसके साथ में टू नहीं लगाना, अगर आपको यहाँ पर टेल्स टू लिखा मिल जाए एग्जाम तो गलत है ये वाला, ठीक है। और टेल या टोल्ड आपको मिला है तो टेल या टोल्ड के साथ में ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे कि यहाँ पे टेल्स लिखा है तो यहाँ पे मी होगा ही होगा, यानी कुछ ना कुछ होगा जरूर। फिलहाल आगे देखते हैं चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं टेंस के चेंज होने की। अगर सेंटेंस अपना बाहर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब क्या है, या फिर वहाँ पर से हो या सेज हो या फिर सेज हो या फिर विल से हो, विल से हो या विल सेज हो, तो वो वाली बात जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, इस जगह पर अगर ये वाला पार्ट अपना प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर वाले का टेंस चेंज नहीं होगा, ये याद रखना आपको, क्लियर, चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर सेंटेंस अपना बाहर वाला पास्ट मतलब सेड और सेड टू दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट के इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट के कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन कभी कभी चेंज नहीं भी होता है और होगा कि नहीं होगा वो बात करेंगे। देखो चेंज कम नहीं होगा जब बाहर वाला सेंटेंस अपना प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट की। पास्ट इंडेफिनेट जो है वो एक तो चेंज होता नहीं है, कम नहीं होता, उसकी कंडीशन जैसे कि कोई हैबिट दी हो या आपकी हिस्ट्री की कोई घटना दी हो तब चेंज नहीं होता है, अदरवाइज वो चेंज होगा किस में होगा पास्ट परफेक्ट में, ऐसी पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊँगा, उसकी ट्रिक भी बताऊँगा आगे चल के, ठीक है। विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कोड, मे का माइट हो जाता है, ठीक है। मस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन मस्ट का हैड टू भी हो जाता है कभी कभी,
और हैज़ टू हैव टू सब होता है वहाँ पर, वो आगे बात करेंगे कैसे होगा, जनरल चेंज नहीं होगा। और ऐसी कोई बात जो जनरल जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई भी ऐसी बात जो हिस्ट्री की घटना है या मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन है, ये नोट करते जाइए आप लोग, और कोई भी हैबिट है तो ये जनरली चेंज नहीं होते हैं, मतलब ये चेंज तो होंगे ही नहीं कैसे भी हो जाए, केवल हैबिट को छोड़ के, वो आगे अभी बात करेंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो ये सारी बातें नोट कीजिए। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के चारों जो है वो पास्ट के चारों में होंगे, परफेक्ट वाला परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस वाला परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, क्लियर। और जो पास्ट के शुरुआत के दो हैं यानी इंडेफिनिट कंटिन्यूस, वो पास्ट के देखो पहला वाला तीसरे में जाएगा और दूसरा वाला चौथे में जाएगा, पहला वाला तीसरे में जाएगा, दूसरा वाला चौथे में जाएगा, और तीसरा और चौथा खुद यानी कि ये अगर हमें मिल जाए डायरेक्ट तो वो चेंज नहीं होंगे। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिकली भी आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कुछ और भी बहुत सारी बातें कि अगर हमें कॉमा एट कॉमा के अंदर कहीं पर भी नाव लिखा मिल जाए तो नाव को चेंज करते हैं देन में। दिस का दैट होता है, दीज का दोस होता है, हेदर का दिदर होता है, ये एग्जाम में कभी नहीं आता, इसको छोड़ दीजिए। हेयर का देर होता है, इसको छोड़ दीजिए। दस का सो होता है, कम का गो होता है कभी कभी। जैसे कि मैं बता दूँ, अगर एग्ज़ाम में आपको कम हेयर लिखा मिल जाए तो काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे गो देयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आना होता है वहाँ जाना होता है, तो यहाँ जैसे कि वहाँ आना कम होता है, ओवरऑल समझ लीजिए कम हेयर लिखा है तो गो देयर होना पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है। वो संडे से हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। टुडे का दैट डे होता है और टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, या फिर द फॉलोइंग डे होता है, द फॉलोइंग डे भी होता है। यस्टरडे का द प्रीवियस नाइट होगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट होगा, और एगो का बिफोर होगा। ये सारी बातें आप लोग नोट कीजिए अपनी कॉपी पर। अब इसके बाद देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% प्रॉब्लम इसी से होती है हमारे डाइट इन डाइट में। अगर ये आपको आ गया तो 80% आपको नरेशन आ गया, बाकी केवल रूलिंग याद करना बच जाता है कि कौन सा किस्म चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन पजेसिव प्रोनाउन है। इन नामों पर मत ध्यान दीजिए, बस याद रखिए कि आई का मी, माई और माइन होता है, वी का अस, आवर और आर्स होता है, यू का यू, ये पहला वाला यू है, ये दूसरा वाला यू है। पहचानते कैसे हैं? अगर कॉमा इन्वर्ट कॉमा के ठीक बगल में यहाँ पर यू हो तो समझ लेना कि ये अपना यू जो पहले वाला है ये वाला है। और अगर आपको दूसरा यू किसी वर्ब या प्रपोजिशन के बाद लिखा मिल जाए, यहाँ पर अगर यू लिखा मिल जाए जैसे गो यू या फिर एट यू, तो यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर यू जो दूसरा वाला है ये हमारा होगा ये वाला, याद रखना ये टेक्निक है। कैसे होगा आप ये आगे बताएंगे। तो यू यू योर और योर्स हो जाएगा। शी का हर होता है, हर होता है और हर्स होता है। ही का हिम होता है, हिज होता है और हिज होता है। इट का इट होता है, इट्स होता है और कुछ नहीं होता। दे का देम होता है, देयर होता है और देयर्स होता है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, उंगलियों पर रटे होने चाहिए आपको, ठीक है। अब चेंज कैसे होते हैं, क्या होता है, वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आई की जगह ही कब होता है, शी कब होता है, क्या क्या होता है, वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इतने वीडियो के नोट्स बनाइए और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कोई भी एग्जाम पल छूटे ना। और आप एग्जाम में नरेशन अगर धोखे से भी आ गया किसी भी तरह से, चाहे फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, चाहे आपका बनाने के लिए आ जाए, तो वो आप करके आ जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।